सकलैम बेटा, ये रीबा बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे लगता है किसी ने मकबरी की। मकबरी? मकबरी? हाँ, तो ये बात जानता था कि इस वक्त घर में पैसे मौजूद हैं। और वो ये भी जानता था कि कैश इस घर में आपकी अलमारी में रखा है। मतलब मुखबरी करने वाला शख्स कोई बहुत करीबी हो सकता है, आपका जानने वाला। मेरे पास इस वक्त घर पे कैश मौजूद है, ये बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर जानता था, और वही एक शख्स है जो पिछले एक डेढ़ हफ्ते से पैसे लेने को टाल रहा था। मुझे लगता है ये उसकी साजिश है। बस फिर ठीक है, हमें फौरन पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। रिपोर्ट के साथ साथ पुलिस को ये भी बताना चाहिए कि आपको उस कॉन्ट्रैक्टर पे शक है, ताकि चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हाँ सकलैन, जो माही कह रही है वो करना पड़ेगा। हाँ, मैं कल सुबह रिपोर्ट करूँ। कल सुबह? नहीं, कल सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी। इतना डिले करके आप पुलिस को उन सारे प्रूफ से दूर कर रहे हैं जो चोर जाते हुए इस घर में छोड़ कर गए। हमें तो जल्द से जल्द पुलिस को बताना चाहिए। क्यों आप ही? हाँ मानूर, पुलिस को प्रूफ कितने हेल्प करते हैं और वो कितने चोरों को पकड़ती है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। इस वक्त हरीबा की हालत देखो, ये बहुत स्ट्रेस्ड है। अगर इस वक्त मैं पुलिस को यहाँ इंक्वायरी के लिए बुला लूंगा तो इसकी हालत और गहर हो जाएगी। और वैसे भी मेरे घर पे डाका पड़ा, क्या करना है इसकी टेंशन मुझे होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। परेशान मत हो, मैं देखता हूँ क्या करना है इसका। आप प्लीज बैठिए सर। बस परेशान नहीं बेटा, बल्ला टल गई बस। अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा संभाले खुद को, हम सब हैं ना आपके साथ। जी बीबी जी, नाश्ता लगा दिया? जी नाश्ता लगा दिया। और चाय? चाय अभी नहीं रखी। वो भी लगाओ। जी तुम्हें मैंने कल रात को समझाया था कि मुझे फोन नहीं करना, तुमने सुबह सुबह उठ के मुझे पागलों की तरह फोन करना शुरू कर दिया। देखो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इस वक्त मैं अपनी जिंदगी में कोई हलचल नहीं चाहता हूं, समझ आई तुम्हें? क्या हुआ? आप ठीक है ना? किस पे इतना गुस्सा कर रहे हैं? वो मेरा हैदराबाद वाला स्टाफ, अभी रात को सब कुछ समझा के आया हूँ मैं उनको, सुबह फिर उसी काम के लिए मुझे फोन कर दिया। सब आराम खाने के लिए बैठे हैं, तुम देखना एक एक को निकाल दूंगा मैं वहां से। सुबह सुबह इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। चले मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया, ठंडा हो जाएगा, आ जाए। हाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, चलो। आपने कुछ कहा?
नहीं। दरअसल मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी है। फराज साहब इस वक्त मैं मसरूफ हूँ। जी मैं देख सकता हूँ आप मसरूफ हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका मैं तो। फराज साहब शायद आपने सुना नहीं कि इस वक्त मैं मसरूफ हूँ और ऑफिस में आपके और मेरे दरमियान सिर्फ काम से रिलेटेड बात होनी चाहिए। नथिंग शुड बी पर्सनल। यू मे लीव नाउ। थैंक यू। ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है और चूंकि मैं और आप ऑफिस में भी नहीं हैं तो लिहाजा मैं आपसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूं। मैंने आपसे शादी का फैसला कर लिया। मेरा ख्याल है कि लोगों का मुंह बंद करने और आपकी पोजीशन क्लियर करने का यही एक रास्ता है। कल मैं अपनी अम्मी को आपके घर लेकर आ रहा हूँ आपके रिश्ते की बात करने के लिए। अगर आपको कोई एतराज हो या प्रपोजल को रिजेक्ट करना हो तो उसी वक्त कर सकती हैं। कोई जबरदस्ती नहीं। फराज मेरी बात सुने। समझाऊंगी कि नहीं हो सकता। उस हर जाए की खातिर। क्या हाल है? ठीक, आप ठीक हैं? सुखलैन भाई वो जो घर में चोरी हुई थी उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस में कंप्लेन तो की नहीं होगी आपने? ऐसी बात नहीं है, कंप्लेन कर दी है मैंने पुलिस में और सस्पेक्टेड लोगों में उस कॉन्ट्रैक्टर के अलावा मैंने घर के गार्ड्स वगैरह को भी शामिल किया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्दी कुछ ना कुछ पता चल जाए। बहुत अच्छी बात है। नुकसान आपका हो या हमारा, बात तो एक ही है ना। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि ये चोरी करवाई किसने। ठीक कह रही हो। खैर तुम बताओ ऑफिस कैसे जा रहा है? सब कुछ ठीक हो गया वहां पे? ऑफिस में सब ठीक है, मैंने सब फिक्स कर लिया। वो तो तुम कर ही लेती। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अम्मी वो ये फराज है मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं और ये उनकी वालदा है। आए आप लोग बैठे। सलमा चाय का बंदोबस्त करो। आए प्लीज आए आए। हाँ बैठे। आप लोगों ने कैसे जहमत की आने की? वो दरअसल सब मानूर ने बताया है कि मानूर और फराज साथ में काम करते हैं तो मैं अपने बेटे फराज के लिए आपकी बेटी मानूर का हाथ मांगने आई हूं। आपको लगता है कि मानूर इतनी गई गुजरी है कब उसकी शादी आपके बेटे फराज से होगी? और हम उसके घर वाले उसे इस बात की इजाजत देंगे। मुझे
मुझे तो हैरत हो रही है, आपने सोचा भी कैसे? आपको यहाँ आने से पहले अपनी औकात देख लेनी चाहिए थी। ये करेगा मेरी बहन से शादी? ये घटिया लो क्लास लड़के के लिए आप मेरी बहन का रिश्ता लेने आए हैं? अरे बापी प्लीज, घर आए मेहमानों से कैसे पेश आते हैं बिल्कुल भूल गई हैं। मेहमानों की कैटेगरी देख के उनसे ताजी बदली जाती है। ये हरासर समाने का बदनाम तरीन आदमी है, अगर तुम इसे पहले ही लगाम डाल लेती तो इसकी आज इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी दहलीज पे तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। आपके बेटे के रिश्ते में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम आनूर के लिए एक रिश्ता देख चुके हैं और मैं उसके लिए हाँ कर चुका हूं। मेरे घर वालों के रवैये की तरफ से मैं माजरा चाहती हूँ आंटी। सत्यन भाई, आपसे किसने कहा कि आप मेरी जिंदगी का फैसला करें? हमी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी शादी के किसी भी फैसले में मुझे सत्यन भाई की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। माही, आप चाहती थी ना कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं आपके इस फैसले का एहतराम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप इनके लाए हुए रिश्ते को इनकार नहीं करें। मैं अगर शादी करूंगी तो यही करूंगी और कहीं नहीं। सकलैन बेटा, अरिबा मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ।